नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर तर्जुमान वज़ीर-ए-आला शहबाज गिल का भी रद्द अमल सामने आया। कहते हैं कि अदालती फैसला मौसूल होते ही अमल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला साहब ने फौरी तौर पर अहकाम दिए कि जैसे ही अदालती फैसला मौसूल होता है उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल किया जाए। तो होम डिपार्टमेंट को, जेल को ये अहकाम चले गए, जैसे ही अदालत का फैसला आएगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। जो उनकी कल तक की रिपोर्ट्स थी वो आपके सामने थी कि उनका यूरोलॉजिस्ट कह रहे थे कि उनकी गुर्दों के तमाम रेंजेस नॉर्मल हैं, उन्हें पानी ज्यादा पीना चाहिए, प्रोटीन कम लेनी चाहिए। हार्ट के जो डॉक्टर्स थे उनके साथ भी मैं गया था, उन्होंने भी सारी चीजें एंजियोग्राफी उनकी करके देखना पड़ेगा। तो वो इस बात की, मुझे अभी तक इस बात को देखना पड़ेगा कि ये जो रिलीफ उन्हें मिला है कि वो मुल्क के अंदर रहेंगे और 6 हफ्ते तक वो अपना इलाज करा सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर के हॉस्पिटल्स में ही करा सकते हैं, ये तो हम भी उन्हें ऑफर कर रहे थे। ये पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे, चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे मैं उनके पास ये पैगाम लेके गया था। एक मोतबर सहाफ़ी मेरे साथ गए थे, फिर हमने होम डिपार्टमेंट का एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि डॉक्टर्स बाहर से बुला लें या यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवा लें। तो हमारी यही ऑफर थी कि जहाँ पर मर्जी आप चाहें हम आपको लेके जाएंगे। तो अभी जो आला अदालत का फैसला है जिसको हम बिल्कुल पूरे दिल से इज्जत करते हैं और उस अदालत के सामने हमारा पूरी की हमारी सबमिशन है, उनके फैसले के मुताबिक भी ये पाकिस्तान से कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं। तो मुझे ये सारी बात में मुझे जो रिलीफ जो PMLN कह रही है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्या है।